No. Hello, uncle. हाँ जी नमस्ते अंकल. हाँ हाँ मैं खड़ा हूँ पार्क में खड़ा हूँ ना. हाँ 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 आपकी बेटी के पास खड़ा हूँ. हाँ हाँ वो दो दो लड़कों के साथ पता नहीं क्या कर रही है. हाँ आपकी बेटी है वो. हाँ वो पिंक कलर की टॉप पहनी है और वो शॉर्ट्स पहनी है. हाँ हाँ वो लड़कों के साथ पता नहीं क्या कर रही है. पीछे झाड़ भी है पता नहीं क्या झाड़ में लेके कर रही है. कौन है तू? हाँ अंकल किससे बात कर रहा है? वो पता नहीं क्या झाड़ में करती है वो कुछ कुछ हमें उल्टा सीधा लग रहा है. कैसे जानता है तू किससे बात किससे कर रहा है ये? अरे आप ही की लड़की अंकल. वो पूरा पिंक कलर का जो है पहनी है टॉप. मेरे बाप को कैसे जानते? तू मेरे फोन कैसे लगाया तूने मेरे बाप को? हाँ फोन रख. अरे अंकल आपको अभी रख. ये झाड़ ओढ़ में कुछ इसका काम चलता है क्या? पूरा पीछे झाड़ है अंकल. हाँ वही आने क्या करती है यहाँ पे? कौन से लड़के कहाँ खड़े हैं? कोई लड़का नहीं है यहाँ पे. अरे अंकल पीछे झाड़ भी है. झाड़ में पता नहीं क्या चल रहा है इसका. तू पागल है क्या कुछ? सही में अंकल आप आ जाओ डीडीए पार्क में. पागल वागल है क्या कुछ? कहाँ लड़के हैं? कौन से पैसे? अरे यहाँ पे अभी कुछ लड़के खड़ी हुई हूँ. हाँ हाँ अकेले अपने खड़े होके वो कर रही हूँ क्या? सच बोल रहा हूँ अंकल. आपकी लड़की है एकदम पिंक पहने. हाँ चश्मा भी लगाई है. सही बोल चश्मा भी लगाई है. हाँ कुछ सच नहीं बोल रहा तो फोन रख दे. हाँ हाँ हील भी पहन के आई थी. हाँ हील भी पहनी है. हाँ हाँ पता नहीं क्या पैसे उसे ले रही है कुछ. इसका गलत इरादा है. अकेले खड़ी भी हूँ यार. कौन से लड़के कौन से पैसे? अरे इसको सब लड़के बुला रहे हैं. सब झाड़ में से इसको बुला रहे हैं लड़के. अब आ जाओ अपने लड़की को बचा लो अंकल. ये पता नहीं क्या कर रही है. तू पागल है कौन है यार? ये कहाँ लड़के कौन से लड़के तू? और तू बात मेरे बाप से कर रहे किससे कर रहे तू? अब ये पैसे सब क्यों ले रही हो यहाँ पे? कौन से पैसे लिए मैंने? कौन से पैसे ले लिए मैंने? अभी अकेली खड़ी हूँ ना तेरे सामने. अकेली खड़ी हूँ तो मैं आपकी बात कहाँ कर रहा हूँ? तो किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ. फोन पे किसी और की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ आप क्यों परेशान हो रही हो? बार बार मेरे आगे पीछे हो रही हो. लड़का नहीं देखा क्या कभी? हाँ अभी तो तू फोन पे बोल रहा था ना. ठीक ठीक अंकल. पिंक कलर का टॉप पहना है. ब्लू कलर की शर्ट स्कर्ट पहनी हुई है मैंने. क्या है ये? अरे तो पिंक कलर का बहुत सारी लड़के पहनी है. वो भी लड़की पहनी हुई है. तो आप मुझे लगा तू मुझे बोल रहे हैं इसलिए मैं. तो आप झाड़ में जाते हो क्या? पागल है क्या? झाड़ में क्यों जाऊंगी? लड़कों से पैसे लेती हो? क्यों लूंगी पैसे? तो फिर क्यों परेशान हो रही हो आप? इतनी प्यारी हो आप ऐसे काम करोगे? मुझे लगा भाई तू मुझे बोल रहा है इसलिए. यार मैं आपके पास खड़ा था. आपसे बोलने का ये मकसद नहीं था. आप बहुत प्यारी हो यार. बड़ी डिसेंट सी हो. मैं तो उस लड़की की बात कर रहा था भाई. अच्छा मुझे लगा यार तुम मुझे बोल रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं. आपको कैसे बोल सकता हूं? आप इतनी प्यारी ना होती ना तो मुझे इसकी बीमारी ना होती. ठीक है बात बोलना चाहता हूं. एक सुन तो लो प्यार से. क्या? अब देखो जुल्फे तुम्हारी काली हैं ओठ तुम्हारे लाल हैं. ना जाने तुमने कितने का खून पिया है इसलिए गाल तुम्हारे लाल हैं. कितनों का काटा है आपने? ठीक है पसंद आ गया आपको? नहीं नहीं ऐसे भी कोई बात नहीं. क्या हो गया बड़े प्यार से हंस रहे हो? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ यार. प्लीज मत देख. अरे मैं हंस भी नहीं सकती क्या? मत देख हसी ना मुझे. हंसते हंसते मेरे दोस्त बड़े कमीने हैं जो कह देंगे भाभी जी नमस्ते नमस्ते. मैं वैसे हंस रही हूँ. ठीक है मैं तुम्हारी बातों पे नहीं हंस रही हूँ. वैसे हंस रही हूँ. नहीं देखो मैं सिंगल बंदा हूँ. यदि चाहो तो आप संपर्क कर सकते हो. आप हमसे सच बोल रहा हूँ मैं तो. तुम सिंगल हो? हाँ पक्का? बचपन से सिंगल हूँ. बचपन से क्या होता है सिंगल? मतलब बचपन से आज तक मैंने लड़की नहीं पटाई ना. ऐसा हो ही नहीं सकता. सच बोल रहा हूँ. सबकी होती हैं. सबकी होती हैं पर मेरी नहीं होती ना यार. क्यों नहीं थी? क्या कमी है तुम्हारे अंदर ऐसी? वही तो हमें नहीं समझ आ रहा है. हमारे अंदर सब कुछ है यार. क्या कमी है जो लड़कियाँ हमें भाव नहीं दे रही है? सबसे बड़ी चीज देखो हमने किसी लड़की को भाव नहीं दिया. भाव इन द सेंस कि मैं जॉब वगैरह करता हूँ ना. मेरी खुद की जॉब मतलब बिजनेस करता हूँ. कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया. पर अब अपनी एज हो गई है यार गर्लफ्रेंड बनाने की ना. एज हो गई कि नहीं ये बताओ. मुस्कुराओ ना बताओ ना. एज तो हो गई है ना? हाँ एज तो है. अच्छा आपकी भी तो एज हो गई है बॉयफ्रेंड बनाने की. बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं नहीं है. सच बताऊँ तो ना ऊपर से कमाल लग रही हो नीचे से बवाल लग रही हो. माँ कसम आप बनारस की मीठा पान लग रही हो. ये क्या मतलब? शायरी वायरी भी लिखते हो क्या? मैं शायरी नहीं लिखता. मैं शायर नहीं हूँ. बस तुम्हारे हुस्न को देख के इंस्पायर हो गया. मैं यहीं खड़े खड़े शायर हो गया. ये आवाज दिल से आ रही है आपके लिए. मतलब अच्छी बोल लेते हो तुम शायरी. यार शायरी नहीं है ये. आपके लिए दिल से आवाज आ रही है. आप इतनी प्यारी ना होती ना. मैं मतलब ठीक है मैं दिखती हूँ. कोई बोल देता है मुझे हाँ मैं ठीक ठाक दिखती हूँ. बट इतनी भी नहीं दिखती जितनी तुम बोल रहे हो.
तुम ऐसे ना बोलो यार, देखो मैं हूँ अधूरा, तुम मेरी कमी हो, तुम मानो या ना मानो तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। हाँ ये तो ज्यादा ही हो गया। ज्यादा नहीं हो गया यार, देखो मेरा दिल एक मंदिर है जिसकी तुम मूर्त हो, खुदा की कसम माँ बहुत खूबसूरत है। सच में इतनी प्यारी लड़की आज तक हमने पार्क नहीं देखा। सच में आज गर्लफ्रेंड ढूंढने निकला था मैं, आज मैं गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें पता है? यार मैं क्या बोलूँ तुम्हें? क्या बोलोगी यार? नहीं तुम्हारे मतलब शायरी तो बहुत अच्छी है। तो फिर मैं आपके पास आऊँ, क्या विचार है आपके ये बताओ हमें। देखो तुम अच्छे हो। अच्छा हूँ? पहली बार किसी लड़की ने बोला मैं अच्छा हूँ, पहली बार ऐसा, पहली बार हुआ। क्या कहती है लड़कियाँ फिर? मैं बोल तो रहा हूँ ऐसा पहली बार हुआ है, हमको तुमसे प्यार हुआ है, जख्म नहीं इस दिल पे खंजर दिल के पार हुआ है, इनसे हाँ उनसे हाँ हमसे क्यों इनकार हुआ है, एक बार नीचे निगाहें करके कह दो कि विशाल हमको तुमसे प्यार हुआ है। बोल दो ना। देखो हाँ अच्छे हो। अच्छा हो ना, मतलब हम ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली मैं बोल दूँ कि हाँ चलो ठीक है रिलेशनशिप में, पहले हम दोस्त बन लेते हैं। दोस्त? जानना चाहती हो? फिर आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट यूज देन बिलीव ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यही कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं इस्तेमाल वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ दोस्त वाली बात, दोस्त वही बता रहा हूँ। फर्स्ट यूज देन बिलीव, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मतलब वो तुम वो नहीं समझो इस्तेमाल वाला, मतलब वही नहीं हो। अच्छा अच्छा, एज अ फ्रेंड, पहले फ्रेंड बनोगे फिर उसके बाद देखेंगे अच्छी लगी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अच्छी हुई हमारी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सच में? पक्का पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। तो फिर चले एक कॉफी हो जाए। हाँ कॉफी तो मैं पी सकती हूँ, पैसे तुम ही दोगे? मैं दूंगा यार। मैं नहीं दूंगी। घर पे पड़ी है पैसों की बोरी, बस कमी है तुम्हारी छोरी। ओह मैं पागल हो जाऊंगी सुन के ये सारी। शायरी नहीं कर रहा हूँ पागल, ये दिल से आवाज आ रही है, तुम्हें हमेशा जीवन भर खुश रखूंगा, ये विशाल का वादा है। चलो थैंक यू सो मच। हाँ बट कॉफी स्टारबक्स? हाँ अरे हाँ स्टारबक्स, या बताओ कहाँ से सीढ़ी कहाँ चलोगे? स्टार्कबक चलते हैं। चलो अब उठा लो, वो आपका है या किसी और का? मेरा ही है। अच्छा अच्छा, तो कोई लड़का उड़का तो नहीं आ रहा था ना आपका, कोई सेटिंग वेटिंग? नहीं। कोई लफड़ा झंझट ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है कुछ ना, लफड़ा ना कोई सेटिंग मीटिंग कुछ नहीं है ना? नहीं। तो फिर तुम हमारे हो। सच बोल रहा हूँ, वो ग्लास में दूध दूध में मलाई, वही पगली इसी वीकेंड तू कर ले हमसे सगाई। आ जाओ। अरे वो अपने कपड़े भूल रहे हो क्या? प्यार में इतना गिर गए क्या? दो इधर, ये हमारी जान का है, मोहब्बत है। ओह माय गॉड, आज से हमने मान लिया, तुमने जब मानना, जब तुम मानोगे हमें ना अपनी मोहब्बत तो बता देना, ठीक है? चलेंगे कॉफी पे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं कॉफी में क्या दिक्कत है, कॉफी तो पी सकते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा तो नहीं है बाद में कभी हमें ऐसे चीट मिले बाद में बताओगे नहीं मेरे पास विशाल जी बॉयफ्रेंड था? नहीं नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं आएगी ना।